मैं चाइल्ड हेल्पलाइन में कोऑर्डिनेटर हूँ, रेलवे अम्बाला कैंट। बताएं आपके रेस्क्यू। सर अभी हमारे पास सुबह ही 1098 से कॉल आई थी कि जलपाईगुड़ी में 2407 नंबर है, उसमें ट्रैफिकिंग के बच्चे हैं कुछ, और आप उसको एक बार रेस्क्यू कीजिए। तो फिर हमने RPF में, GRP में और यादविंदर जी हैं जो बचपन चौहान आंदोलन से, उनसे बात की, तो पूरी टीम बना के ASTU टीम अम्बाला जो है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट क्राइम ब्रांच, वो भी हमारे साथ में टीम में थी। तो हमने पूरी टीम बनाकर प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे जब ट्रेन रुकी तो हमने बच्चों को रेस्क्यू किया। उसमें 22 और 23 बच्चे करीब जो हैं वो निकले हैं अभी, तो अभी कार्रवाई जारी है। जैसे ही सभी का इंटरव्यू लेने वो पता लगेगा कि क्या आगे करना है। मेरा नाम जादविंदर सिंह है, मैं बचपन बचाओ आंदोलन से हूँ। बचपन बचाओ आंदोलन कैलाश सारथी जी, जो हमारे देश का मान है, नोबेल प्राइज विनर ऑफ इंडिया है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन है। तो आज मॉर्निंग मुझे 10 बजे मेल आया था हमारी हेल्पलाइन नंबर से कि जो हमारी कर्मभूमि ट्रेन है 2407, उसमें अराउंड 18 से 22 बच्चे हैं जो ट्रैफिकिंग कर बिहार के कटिहार से लाए जा रहे थे, और इन बच्चों को फदर लुधियाना और आगे पंजाब में काम करवाने के लिए बच्चों को ले जाया जा रहा था। तो फिर हमने यहाँ पे RPF के ADRM से संपर्क किया, और जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे हमने बातचीत कर पूरा रेड को प्लान किया, जिसमें हमें RPF का बहुत अच्छा सहयोग रहा। और आज हमने अराउंड 17 बच्चे हैं जिनको रेस्क्यू किया है, उनके साथ सस्पेक्टेड 8 लोग हैं जो ट्रैफिकर हैं। अभी हम उनके डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हैं और अदर लीगल एक्शन उसके अकॉर्डिंग है। कंबाइंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया जिसमें CWC और बचपन बचाओ आंदोलन, RPF, GRP एक कंबाइंड रेस्क्यू ऑपरेशन था कर्मभूमि से। तो इन पे पूर्व इन्फॉर्मेशन के आधार पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया जिसमें करीब 22 बच्चे ट्रेन से डिटेन किए गए हैं, और इनमें से अभी इनकी चेकिंग की जा रही है आधार कार्ड और किट, और इनमें से मेरे ख्याल में 12 से 13 बच्चे नाबालिग हो सकते हैं, बाकी मच्योर हैं और इनके साथ भी हैं। अब इनसे पूछताछ चल रही है और इनका पूरा आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, तो इसके बाद फाइनल होएगा इसमें बच्चे कितने हैं, मच्योर है, 10 हैं या 12 हैं।